यो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी डायनामिक थंडर, यू आर वाचिंग डीडी गेमिंग। और हम लोग एरेंगल मैप खेल रहे थे, तो ये कैंप्स के पास उतरे हैं। यहां पे काफी अच्छा लूट मिल जाता है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं। तो यहां पे धोखा बंदा दिखा, तो मैंने उसे मार्क द लोकेशन। यहां पर ये है कि अगर आप लूट लेते हैं तो लूट लेके फटाफट निकल जाए, नहीं तो कोई भी दूसरा स्क्वाड इस जगह पे आ ही जाता है, ताकि उसको पता है, उसको भी पता है कि आप लोग अच्छा मिलता है, हम बंदे भी मिल जाते हैं। तो पहला काम तो ये था कि हम लूट कर लेते हैं और लूट करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, तो प्लानिंग यही थी कि, तो हमने वही किया। और धुंध में तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा ये है कि लूट करके आप निकल जाओ, और आपको इच्छा करता भी है तो आपको वो देख ले। तो यहाँ से हम निकल रहे थे, ये है प्रिजन का एरिया, ओपन एरिया। तो यहाँ सामने से एक सामने पे एक वो है गोडाउन है, तो यहाँ से हम जैसे मेरे टीममेट्स ने उसे नॉक करके, अब मुझे लगा कि अकेला बंदर गाड़ी से क्यों उठ रहा है, तो मैं अपना हील करने लग गया। तभी वहाँ से थोड़ा मोटा फायर होने लगा, तो लगा कि बॉट वगैरह है, तो मैं गाड़ी से क्यों निकलूँ। तभी स्टार्टिंग फायरिंग की काफ़ी तेज़ होने लगी, तब मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे बंदे अंदर में छुपे हुए हैं। तो फटाफट मैंने एक कवर लेने की कोशिश की, और कवर देखिए पत्थर के पास कर दिया मेरे टीम मेट ने, किल तो मुझे मिल गया। अब मैंने यहाँ पे काफ़ी ले लिया, चारों तरफ से फायर हो रहा था, तभी अपने दो बंदे जो हैं, अब दो नंबर काफ़ी अच्छा फाइट कर रहा था, तो वो आगे की ओर चला गया। अब ऊपर में चल जाने के बाद तो उसको भी नॉक कर दिया, मेरा बचा हुआ था। सॉरी यार, पीछे से गाड़ी चली गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया। अब फटाफट मैंने उसको नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया। तो अब इस तरीके से अपना एक बंदे को रिवाइव कर दूं, ताकि वो मुझे जरा मेरा साथ दे सके। अब मैंने इसको रिवाइव दे दिया, ताकि ये बैकअप के लिए मेरे लिए खड़ा हो जाए। अब क्या था कि सामने एक और बॉट आके आपको मारने लगे तो कितना ख़राब लगता है। अब यहाँ पे फिर भी बंदे हैं, अभी भी बंदे हैं, क्योंकि सामने पेड़ के पास एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है, यानी कि उसका टीममेट इधर कहीं छुपा हुआ है। अब या तो वो रोटेट करके पीछे से हमारे पीछे की ओर आ जाए, या फिर वो सामने ही कहीं घास में लेटा हो। तो मैंने इसको भी रिवाइव दे दिया। अब उसको फिनिश करने के लिए जा रहा था, तो ऑटोमेटिकली अपना तो ये फिनिश हो गया। अब एक आखिरी बंदा बचा है, जो कि इन्हीं का टीममेट है। अब वो कहाँ पर है पीछे से स्कारल से उसने नॉक करके फिनिश कर दिया, और एक बॉम्ब डाल दिया। अब बॉम्ब डाल दिया है तो कहीं ना कहीं छुपा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा था वो पत्थर के पास ही छुपा होगा। अब पत्थर के पास छुपा होगा तो वहाँ से मुझे चेक करना है कि कहाँ पर हो। तभी उसका नेट आता है, और नेट बिल्कुल मेरे बगल में गिरता है, तो वो इसी तरफ है। उस बंदे से वो बंदा नॉक हो गया। यहाँ पर थे एक बंदा नॉक है, तो उसको मैंने रिवाइव दिया। यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमारा फाइट हुआ, 5 किल मेरे को मिल गए, यानी कि 4 लोगों को मैंने मार दिया, एक पहले ही मार दिया था। कहाँ पर है? अब मैं इस गेम प्ले में ये दिखा रहा हूँ कि अच्छा गेम प्ले होते हुए भी लास्ट में आपके साथ अनहोनी हो जाती है। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी उठा के सीधा इधर की ओर आए, दूसरे कैंप की तरफ, और जोन भी था। तो इधर से हम लोग बढ़ा रहे थे, तो ओपन एरिया यहाँ पर भी एक कैंप है। अब कैंप के पास तो बंदे होते ही हैं, तभी मेरे पीछे एक गाड़ी गई, यानी कि बाइक। अब बाइक गई है तो हम उसके पीछे लगा रहे हैं। अब सिंगल बंदा दिख जाता है तो लालच आ ही जाता है मन में। अब उसको मारने के लिए हम पीछे से घुमाने लगे, तब हमारे सामने से एक और गाड़ी आई, हम पे हमला कर रहे थे ना एक बाइक वाले पे। तो बंदे तो बाइक वाले को पीछे करने लगे, तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि अपना दूसरी तरफ से उसको बाद में मारेंगे, क्योंकि अभी गेम काफ़ी बचा है। फिर दोबारा से मन में आया कि चलो उसके पीछे चलते हैं। अब हमारी गलती हम उसके पीछे चले गए। अब कभी भी अगर आप जाते हो क्लच करना है तो मुश्किल होता है, क्योंकि थंडर जो होता है वो मार देते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ कि अनहोनी ये हो गया कि हम लोग गाड़ी भगाने लगे, और गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद वो ठुक जाता है, सबसे बड़ी गलती यही थी। यहाँ पर
ये दूसरा गेम प्ले है और इसमें भी उसी तरह का क्लच है, यहाँ पर भी मैं ही क्लच कर रहा हूँ और एक बंदा हमारा नॉक हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, तो आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। नंबर जो था वो ड्रॉप की तरफ भागा था लूटने के लिए, तो वहाँ पे पहले से ही हमारे साथ एक स्क्वाड उठता रहा था, तो उन्होंने उसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे ये था कि हम या तो आगे की ओर जाके अंदर चले जाएं जोन में, या फिर हम इनसे फाइट लें। तो मैंने सोचा चलो फाइट लेते हैं। अब हम तीन थे, वो चार थे। यहाँ पे पहले से स्मोक हुआ हुआ था, तो यहाँ पे पता था कि यहाँ पे बंदे हैं। सामने वाले पत्थर के पास बंदे हैं, एक सामने दूसरी तरफ के पत्थर के पास जा रहा है और एक लेफ्ट साइड में है इस पेड़ के पीछे। अभी जो पेड़ वाला मैंने अभी बोला है, उसके और मेरे बीच में एक पेड़ था, इसलिए मेरे को यहाँ उसकी तरफ से तो कवर काफ़ी अच्छा मिला था। और इस पेड़ के पीछे एक और बंदा मैंने लेटा हुआ देख लिया था, सांप का बच्चा। सांप के बच्चे को मैंने नेट डाल के नॉक कर दिया। अब यहाँ पर ये था कि वो दूसरा जो उसको भी मैंने नॉक कर दिया। यहाँ पर टोटल उस पत्थर पर तीन बंदे हैं, एक पत्थर के पीछे और दो नॉक हो पड़े हैं और एक राइट साइड। मेरे को बन नहीं रहा था कि मैं नेट डालूं, तो कैसी किसी तरीके से मेरा जो पार्टनर था वो भी आगे की ओर चल कर लेना था, कवर मेरे के लिए मारता। अब कवर जाए पर कवर ना जान जाए, ये अब हमारा मंत्र है। यहाँ पर जिसको पहले स्टार्टिंग में नॉक किया था तो वो मर गया था। अब यहाँ दो पीछे था। अब वो पत्थर वाले को चार नंबर ने नॉक कर दिया। अब मेरे को एंगल नहीं मिल रहा था कि मैं उसको मार सकूँ, उसको भी एंगल नहीं मिल रहा था कि वो मुझे मार सके। अभी तीन नंबर को पता नहीं है कि सामने पत्थर पे बंदे हैं और मेरा नहीं मिल जाता। अब लेने के बाद क्या होता है कि वो उसको मार देते हैं। अब पीछे सामने के पत्थर पे दो बंदे हैं और राइट साइड में एक बंदा है जहाँ चार नंबर मरा। अब चार नंबर जो मरा तो उधर तो मैं मार नहीं पा रहा था तरीके से। अब मुझे ज़रूरत था कि मैं पोजीशन चेंज करूँ। अब पोजीशन चेंज करने के लिए मुझे यहाँ से निकलना था। पोजीशन चेंज करने के लिए मैं पीछे की ओर भागता हूँ ताकि मैं रोटेट करके मार सकूँ। याद रखिएगा कि तीन बंदे हैं यहाँ पे, एक नॉक हुआ पड़ा है, पत्थर पे है जो। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ डीपी से उसको मार दूँ और यहाँ पर एक नॉक कर देता हूँ, सामने वाला बंदा मुझे